बिजनेस की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। एमसीएक्स के नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने का आधिकारिक ऐलान हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 16 अक्टूबर को एमसीएक्स नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होगा, नए प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आएगा। खबर पर पूरी डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय सर, जी बिजनेस ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी और देखिए इस खबर पर फिर एक बार मुहर भी लगी है। 16 अक्टूबर से नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहा है एमसीएक्स, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल भावना, देखिए और ये बड़ी खबर है और जी बिजनेस की एक बड़ी खबर पर फिर से मुहर लगी है। हमने सबसे पहले ये बताया था कि अगले हफ्ते एमसीएक्स नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो सकता है, उस खबर पे मुहर लग गई है। और मुहर लगने की खबर भी सबसे पहले जी बिजनेस ने दिखाई कि 16 अक्टूबर से ये आधिकारिक ऐलान हो गया है कि एमसीएक्स नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहा है। 16 अक्टूबर यानी उस खबर पे मुहर लगी बाद में कि हाँ, सेबी ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हाँ अप्रूवल दिया गया है। और ये पूरा मामला ये है कि अभी जो एमसीएक्स का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है वो है 63 मून, और 63 मून को कई बार एक्सटेंशन मिल चुका है। और अब ये माना जा रहा था कि इस बार का जो एक्सटेंशन है जुलाई वाला वो दिसंबर के आखिर तक था, लेकिन बीच में ये खबर आई, कई बार मॉक ट्रेडिंग हुई एमसीएक्स पे और उसके बाद ये तय हुआ कि अब नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने का वक्त आ गया है, पूरी तैयारी हो गई है। तो एमसीएक्स ने पहले 3 अक्टूबर से ये ऐलान किया था, 3 अक्टूबर से शिफ्टिंग हो जाएगी, लेकिन उसके बाद चेन्नई के फोरम ने मद्रास हाईकोर्ट में इसको लेकर आपत्ति दर्ज की, तो उसके बाद सेबी ने कहा कि आप थोड़ा रुकिए, इसकी एक बार फिर से जांच होगी और फिर नई डेट दी जाएगी। वो 3 अक्टूबर वाली डेट टल गई, उसके बाद फिर जांच हुई और जांच के बाद टेक्निकल कमेटी ने मंजूरी दी और फाइनली अब ये हो गया कि 16 अक्टूबर यानी अगले सोमवार से एमसीएक्स नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होगा। जानकारी हमें ये भी मिल रही है कि 15 अक्टूबर को एक मॉक ट्रेडिंग भी होगी ताकि 16 अक्टूबर को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए मेंबर को, तो स्मूथ यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाए, उसको देखते हुए 15 अक्टूबर को एक मॉक ट्रेडिंग भी प्लान की गई है। जी भावना जी, बिल्कुल शुक्रिया मृत्युंजय इस पूरी अपडेट के लिए।